तो मैं चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट, आज मैं आपके संग ये पर्ल्स हूप इयरिंग शेयर करने वाली हूँ कि आप इसे कैसे इजीली स्टेप से बना सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड कलर के बटन पे आपको क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, पास में एक बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या मटीरियल लगेगा। हमें ये मटेरियल लगेगा, एक ये टूल है, ये इस तरह के हूप्स है जो कि हमारे इयरिंग्स के लिए हमें चाहिए होते हैं, इयरिंग्स को कैरी करने के लिए। और इस तरह की ये दो रिंग्स है, बड़ी रिंग्स है, और ये दो छोटी रिंग्स हमें लगेंगी, और इस तरह के पर्ल्स लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लगेंगी अपनी इयरिंग्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कड़ी ले रही हूँ और इस कड़ी को इस तरीके से ओपन कर रही हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसे मैं इस टूल की हेल्प से जो है ठीक कर लूँगी, मीन्स कि स्ट्रेट कर लूँगी, और हम इसे बाद में फोल्ड करेंगे हमारे मोतियों को पिरोने के बाद। तो ये अभी इतना नहीं फोल्ड हुआ है, सो ये इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और इसमें मैं अब ये वाले हमारे जो मोती थे उनको पिरो लूँगी। तो इस तरीके से मैं इन मोतियों को पिरो लूँगी, और ये काफ़ी ट्रेंडी चल रहे हैं इयरिंग्स, आपने दीपिका पादुकोण लुक में देखे होंगे, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी इस इयरिंग्स को वेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बाय करने से बेटर है कि आप इसे खुद से बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कि ये जो इयरिंग्स हैं आपको कम प्राइजेस में मिल जाएंगे बने हुए, और आप जैसे चाहते हो, छोटे बड़े जो भी साइज़ आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो इसी तरीके से पूरे हुक में जो है मैं ये इयरिंग्स को लगा लूँगी, सकते हो इसमें जो है मैंने सारे मोतियों को पिरो लिया है, और अब ये वाला जो पॉइंट है उससे मैं फोल्ड कर दूँगी अपने टूल की हेल्प से। मोतियों को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा आपको, हो सकता है आपको पकड़ने में नहीं है, अगर आप चाहो तो एक आधी मोती कम डाल सकते हो, बट ये है कि फिर वो इयरिंग इतना अच्छा नहीं लगेगा। देख सकते हो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करने के बाद जो एक सिंगल रिंग था, इस तरह का एक रिंग जो है मैं वो लूँगी, और इसका जो पॉइंट है इसे ओपन कर लूँगी इस तरीके से। अब एक पॉइंट इस तरीके से मैं इसमें डालूँगी, और दूसरा वाला जो है वो सेम साइड से नहीं डालूंगी, दूसरी साइड से डालूंगी। तो ये मैंने दोनों को पिरो लिया है, अब दोनों को पिरोने के बाद मैं इसमें कड़ी भी हमें छोटी ही लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बट ये है कि बहुत अच्छा इयरिंग लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना लगेगा कि आपने खुद से बनाया नहीं है। तो ये इसके रिंग के दोनों साइड को मैंने पकड़ रखा है, और अब मैं ये वाला जो हुक था जो जिससे हम हमारे इयरिंग्स को होल्ड करते हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे इस तरीके से हाथों से ही भी थोड़ा सा दबा दिया है ताकि ये बाहर ना निकले, बिकॉज़ कि ये टाइट है तो हो सकता है आपके हाथों से बाहर निकल सकता है। उसके बाद इसी टूल की हेल्प से मैं इसे इस तरीके से कस दूँगी, और ये हमारा इयरिंग तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप दोनों इयरिंग्स को बना लीजिएगा, और आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये पहनने के बाद और भी प्यारे लगेंगे। अगर आप व्हाइट ड्रेस के संग, व्हाइट एंड गोल्डन वर्क की ड्रेस के संग पहनते हो तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे।